मेरे को तो ऐसे लग रहा है लोग जैसे ठेके के बाहर नहीं खड़े होते लाइन में पैसे लेकर बोतल खरीदने के लिए, वैसे खड़े हैं। तो इतनी भीड़ तो भाई साहब बरातियों की नहीं होती और शादी की रिसेप्शन में नहीं होती, लड़के वाले की जितनी की भीड़ इनकी दुकान में है। तो मुझे तो लगता है आपका तो गल्ला भर जाता होगा 2-3 घंटे में ही। लगता है एक दिन में आराम से 1.5-2 लाख रुपए कमा लेते होंगे, छाप लेते होंगे आप। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भीड़ नहीं लगी रहती जितने की यहाँ पर। शर्माओ मत, अब सच बोल दो। ये देखो भाई साहब, ये छोले भटूरे बनाते समय इतना डांस करते हैं ना जनाब। क्या क्या मिलता है, क्या क्या फूड आइटम होती है आपके पास? लोग दूर दूर से स्पेशल खाने के लिए आते हैं, डांसिंग वाले भटूरे हैं, दाल वाले। खाओगे? ये लो जी। ओ क्या बात है, ओ स्टाइल देखो, स्टाइल देखो। अगर 1-1.5 लाख छोले भटूरे बना देते हैं एक दिन में। हाँ जी दोस्तों, चंडीगढ़ में आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रीट फूड की शॉप पर लेके आ गया हूँ जनाब, जहाँ पर रोज मेला लगा रहता है भाई साहब, दीवानगी लगी रहती है भाई साहब। रश चेक कर लो, एक बार भीड़ देख लो। मैं कह रहा हूँ इतनी भीड़ तो भाई साहब बारात में नहीं होती, बरातियों की नहीं होती और रिसेप्शन में नहीं होती, शादी की रिसेप्शन में नहीं होती, लड़के वाले की जितनी की भीड़ इनकी दुकान में। और हमने मालिक जी को खोज निकाला जी। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। और सबसे पहले अपना गुड नाम बताइए। आपका नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम मटरू। मटरू? मटरू। क्या बात है जी। और कितने सालों से लोगों को खिला रहे हैं ये दीवानगी फैला रहे हैं, पहले तो ये बताओ। 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो 15 साल में ऐसा कौन सा जादू जायका आपने डाल दिया कि मैं कह रहा हूँ इतनी तो शादी और बरातियों की भीड़ नहीं होती, लड़के की शादियों की रिसेप्शन में भीड़ नहीं होती, इतनी आपके पास भीड़ है? ये तो टेस्ट के ऊपर है। टेस्ट के ऊपर है। टेस्ट अगर अच्छा होगा तो दुनिया दूर दूर से अपने आप आएगी। ओ भाई साहब लाइन देख लो, लाइन दिखा देते हैं। तो भाजी सच बताना, खाने में गलत चीजें तो नहीं डालते खाने में? ये आपके सामने है। नशा तो नहीं डालते? आप देखो क्या क्या डाल रहे हैं। ये देखो मेरे को तो ऐसे लग रहा है लोग जैसे ठेके के बाहर नहीं खड़े होते लाइन में पैसे लेकर बोतल खरीदने के लिए, वैसे खड़े हुए हैं। क्या क्या मिलता है, क्या क्या फूड आइटम होती है आपके पास? ये मीडियम क्लास का फूड कोर्ट है। हाँ जी, मीडियम क्लास का फूड कोर्ट। मीडियम क्लास का फूड कोर्ट। क्या बात है भाई साहब, यहाँ पर लगातार बैक टू बैक भटूरे बनी जा रहे हैं, आप तल रहे हैं, आप ही ओनर हो शॉप के? हाँ जी। क्या बात है, ओनर साहब खुद ही काम कर रहे हैं। और ये तो भाई साहब बॉलीवुड स्टार लग रहे हैं हमारे भाई साहब, इमरान हाशमी जैसे, स्माइल भी देख लो इनकी, तो बैक टू बैक लगते रहते हैं। अच्छा पीछे भी कढ़ाई है जी, पीछे कढ़ाई में भी बन रहे हैं? हाँ जी। तो क्या क्या रहता है आपके पास खाने के लिए? हमारे वाले दाल वाले भटूरे हैं। दाल वाले भटूरे? हाँ जी। दाल की पेस्टिंग रहती है इसके अंदर? हाँ जी, दाल के भटूरे हैं। अच्छा जी, साथ में उसके साथ कद्दू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी। क्या बात है। और चने? ये कद्दू आलू की सब्जी लोग घर में खाते नहीं, आपके पास क्यों खाते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप, बता दो आप क्या डालते हो? खा के देखोगे? खा के देखना पड़ेगा। और क्या क्या मामला रहता है, क्या क्या देते हैं खाने के लिए? नजारा सैंडविच पिज्जा भी आप ही का है? सारा अपना है। हम बच्चे के लिए हर चीज खाते हैं। बच्चों के लिए हर चीज? जो बच्चा खाता है ना जी। हाँ जी, हर चीज बनाते हैं। हर चीज बनाते हैं? कैसे, मतलब क्या क्या? पिज्जा, सैंडविच, मंचूरियन जी। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ सारे शहर में जी सबसे सस्ती आइटम, सबसे सस्ती आइटम मेरे आप गारंटी दे रहे हैं चंडीगढ़ में, आप खिला रहे हैं? आप वो दिख ही रहा है सर, 60 रुपए के फ्रेंच फ्राई हैं। अच्छा जी, 80 रुपए की मंचूरियन है। क्या बात है। हनी चिली कॉलीफ्लावर 80 रुपए के है। क्या बात है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जो शादी पार्टियों में खाना बनता है वो यहीं से बन के सारा सप्लाई होता है, आप ही तो नहीं बना के देते लोगों को? हाँ जी, हमारा अपने यहीं नहीं फुर्सत, यही नहीं भूखता। हाँ। ओ भाई साहब, तो कितने बजे शॉप ओपन होती है, कितने बजे क्लोज करते हैं आप? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे खुलती है और क्लोज कितने बजे होती है? रात को 9:30 बजे। रात को 9:30 बजे। यही एक चंडीगढ़ में ऐसा काउंटर है। अच्छा, जहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर जी 9 बजे से लेकर हाँ जी रात को 9:30 बजे तक भटूरे बनते हैं। अच्छा जी, तो मुझे तो लगता है आपका तो गल्ला भर जाता होगा 2-3 घंटे में ही। हाँ जी, फिर एक दिन में कितना, 2-3 लाख रुपए कमा के लेके जाते हैं? अरे मरवाएगा। हाँ जी, इनकम तो सारे भी चेक। शर्माओ मत, अब सच बोल दो, जब आप 9-9 घंटे से ऐसे खड़े हो पसीने से लतपत हो रखे सर्दियों में। मैं कह रहा हूँ 1-1.5 लाख छोले भटूरे बना देते हैं एक दिन में। तो मुझे तो लगता है एक दिन में आराम से 1.5-2 लाख रुपए कमा लेते होंगे, छाप लेते होंगे आप। हाँ जी, आप लोगों को पूछो। देखो अच्छा, लोगों से पूछूं? अब मुझे गिनना पड़ेगा, कल आऊंगा मैं सुबह 8 बजे। और ये तो जोक सपाट है, तो सर क्या प्लेट रहती है सर भटूरे की? आप इसकी तरफ देखिए, फोकस करिए। अच्छा जी, ये हमारा हीरो है। क्या बात, ये स्पेशल बच्चा है। तो सर ये बताइए, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास यहाँ काम करते हैं, जो हैंडल करते हैं सारा कुछ? मेरे पास ये 6 बंदे हैं। 6 बंदे हैं, पीछे मैम भी है, एक लेडीज, बाकी 3 यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। आप खुद ओनर होके काम कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। वो पीछे नूडल्स वाले नूडल्स बना रहे हैं भाई साहब, लाइन लगी हुई है। यहाँ पर छोले भटूरे का मामला, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी रहती है? आलू की। ये कौन सी प्लेट लग रही है? ये स्पेशल थाली कौन सी, भटूरे की? भटूरे की। लोग तो संडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, टिकते ही नहीं घर पर, उनके पैर टिकते नहीं आप ही के पास स्पेशल खाने के लिए। डेली डेली खाएं, डेली। ओ भाई साहब, ये स्वाद ही बात। तो आपने तो घरों में भी लड़ाई करा दी है, हस्बैंड वाइफों की।
लोग यहाँ पर स्पेशल 15-16 दिन से लगातार खाने के लिए आ रहे हैं। ये मैदे की रहते हैं? नहीं, आटा 50% आटा है। अच्छा, 50% मैदा। अच्छा जी, और सूजी है और दाल है। क्या बात है जी। तो सर किसी को बोलें कि अपने एम्प्लॉइज को अगर टाइम होगा तो एक मिनट काउंटर दिखा देंगे सारे। दिखा भी। ये देखो सब्जियों से लतपत रहता है किचन, सारी जगह देखो बस खाना खाना खाना, हर जगह खाना ही खाना। तो यहाँ से सर शुरू कर देते हैं। ये क्या जी? ये आलू टिक्की है। आलू टिक्की बन रही है। ये रो बनाए होते हैं पेड़े, है ना? ये फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करके इधर रखिएगा जी। और वो सर? ये चाप बन रही है, कॉफी है। चाप बन रही है, कॉफी है। आजो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ सर कोई आपने स्ट्रीट फूड की आइटम ही नहीं छोड़ी है, ए टू जेड रखी है। कस्टमर से टेस्ट पूछो। हाँ जी। ये सर ये जमावड़ा, ये जो शादी वाला काउंटर बना रखा अपने, वो भाई साहब ये क्या क्या चीजें सर? ये फ्रेंच फ्राइज आगे, मंचूरियन हो गए, पास्ता, इंपोर्टेड पास्ता है, हनी चिली, कॉलीफ्लावर बनाने के स्प्रिंग रोल, ये सारी सॉसेज हैं, मेयोनीज हो गई, ये गार्लिक स्वीट गार्लिक, हाँ जी, मेयोनीज, ये चकोतले है। अच्छा, पुदीने की है, ये मोमोज की चिल्ली है। भाई साहब सर आप कोई तो छोड़ देते, आपने तो आइसक्रीम भी रखी हुई है, हर चीज रखी है। सर ये पिज्जा बन रहा है यहाँ पर? हाँ जी। ओ जनाब ये देखो, ये पहली शॉप है आई थिंक इंडिया में चंडीगढ़ में जहाँ पर सारे लोग चारों तरफ से घिर के रखते हैं ना लोग आपको, तो कैसे लगता है? खुशी मिलती है आपको? खुशी मिलती है, भगवान ने वरदान दिया हुआ। क्या बात है। आप लोगों को भोजन कराओ। ओए ओए भाई साहब, तो आपको सबसे फेवरेट क्या लगता है अपनी दुकान का? क्या मेरी हर चीज टेस्टी है, लोग तो खा रहे हैं पर दिख रहा है टेस्ट होगा, टेस्ट दिख रहा है। पहले आपको क्या पसंद लगता है सबसे बढ़िया? आपको अपनी शॉप का पांचों उंगलियां एक जैसी मेरे लिए। ओए हाय जवाब, ये रहता है ना नूडल्स पास्ता स्प्रिंग रोल सारे बनते रहते हैं गर्मा गर्म। और सर ये क्या बन रहा है? ये मोमोज बना रहे हैं। ये मोमोज बना रहे हैं। ओए हो सर मोमोज भी अलग वैरायटी है आपके यार। अच्छा, तो ये मोमोज हैं, इसमें आप सॉस लेंगे सारी की सारी? अच्छा जी, तो खुद ही सॉस ले सकते हैं? कस्टमर अपने आप ले, कस्टमर अपने आप ही सेल्फ सर्विस। ओए हो क्या बात है जी। तो सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग आइटम कौन सी है आपकी? दाल वाली पूरी। दाल वाली पूरी, तो क्या रहता है उसमें खास? एक लाइट होती है, सबसे बड़ी खासियत लाइट होती है। दो पूरी खाई आपने, तीन भी खा सकते हैं, चार भी खा सकते हैं सर। आप उसके बाद लंच भी जाके कर सकते हैं। लंच भी कर सकते हैं सर, मुझे तो नहीं लग रहा लोग हट ही नहीं रहे, घर ही नहीं जा रहे लोग, तो यहाँ पर आई जा रहे खाई जा रहे। मैंने 1.5-2 घंटा हो गया, लोग फिर दूसरी आइटम सेलेक्ट कर लेते, वो खाने लग जाते हैं। तो ये देखो भाई साहब, ये छोले भटूरे बनाते समय इतना डांस करते हैं ना जनाब, लोग दूर दूर से स्पेशल खाने के लिए आते हैं, डांसिंग वाले भटूरे हैं दाल वाले। ओए होए ये चेक कर लो भाई साहब, ये दीवानगी, नाच नाच के बनाते हैं ये देखो जी। ओए होए ओए स्टाइल देखो, स्टाइल देखो, स्टाइल देखो जनाब, ये देखो। हाँ जी भाई साहब, ये है 70 रुपये की जबरदस्त प्लेट, जिसको खाने के लिए भाई साहब इतनी भीड़ लगी रहती है ना, पीछे दिखा देता हूँ कि भाई साहब इतना था इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भीड़ नहीं लगी रहती जितने कि यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। खचाखच स्टेडियम जैसे यहाँ पर लोग भरे रहते हैं। और दाल और कचोरी रहती है जनाब, ये देखो बड़ी सॉफ्ट नरम है, 15-20 मिनट हो गए इसको बने हुए को, पर फिर भी अभी तक इतनी नरम है। ये देखो स्टफिंग देख लो, दाल की स्टफिंग रहती है इसमें, ठीक है जी। कद्दू की सब्जी मिल जाएगी और चिट्टे छोले मिल जाएंगे और आलू की सब्जी और दही का रायता। भाई साहब तीनों को ना मज़ा तब आएगा इसको जब तीनों मिक्स करके हम इसको अच्छे से खाएंगे। ये देखो तीनों मिक्स हो चुके हैं और ये बाइट जा रही है। ओह दमदार। ये देखो एक बार अंकल जी को दिखा दो, अंकल जी का भी मन ललचा के स्वाद है ना थाली। हाँ ओके, हाँ ओके, खा लिया? नहीं नहीं एक छोटी सी बाइट ले लो, ये लो एक अंकल जी को छोटी सी बाइट खिलाएंगे, ये लो जी। ओ क्या बात है, अंकल जी को भी मन ललचा रहा था, हमारा भी ललचा रहा था। वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा है, बने रहो देखते रहो HNB स्ट्रीट फूड। मैं तो भाई ये चला खाने ये भीड़ के साथ बैठने, ठीक है जी, थैंक यू। कौन सा जायका डालते हैं उसके बीच में? कुछ सोना चांदी यही चीज खासियत है कि कुछ नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, सिंपल रहता है। आप बिना मसालों के खा के देखिए, अच्छा वो भी बहुत स्वाद होगा। क्या बात है। और सर आपके साथ ना बातचीत कर हमारे को बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू आपने हमारे को टाइम दिया। थैंक यू जी, थैंक यू।